जी सुना ना। तो अपन जो है ना वो संगोष्ठी लेना थोड़ा सा चालू करेंगे तो हम ज्यादा कल्याण कर पाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने निर्णय तो जो है ना चंद्रगुप्त का लिया था, तो किस स्तर के चंद्रगुप्त का आपने सोचा था? ये चंद्रगुप्त अभी मेरे परिवार में सर डेथ हो गई थी। मेरी मौसी और मौसा जी 1 महीने के अंतराल में ही रिटायर हाँ, हो गए थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको वो नहीं कर पाया। अच्छा, नहीं क्या हो गया, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बताएं। मेरी मौसी और मेरे मौसा जी 1 महीने के अंतराल में एक्सपायर हो गए थे। ओहो, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। इस वजह से अरे मैं वो नहीं कर पाया था। नहीं, ऑब्वियसली है, जब इतना सब हो जाता तो आदमी इतना डिस्ट्रेस में रहता है। तो अभी आप कंफर्टेबल है बातचीत करने में या बाद में हाँ हाँ बात हाँ करें? नहीं, कंफर्टेबल हूँ, कोई अच्छा, दिक्कत ठीक है नहीं। ठीक है। तो मेरा सोचना ये है कि देखिए, अभी अपन ने निर्णय लिया है कि क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त, जो अभी 2023 में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, जी उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, राइट? और जी इसकी स्ट्रेंथ ये है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनके संगोष्ठी करें। जो 21 महालक्ष्य हैं जिससे ये देश ही बदल जाएगा, इस देश में ना अपराध रहेंगे, ना भ्रष्टाचार रहेगा, और ना अंग्रेजों के गुलामों के कानून रहेंगे, और व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगी, और जी टैक्स फ्री भारत होगा, और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा भी होगा, राइट? जी तो जी सर, अब ये संदेश पहुंच के हमें हर जगह संगोष्ठी करना है। तो एक चीज आपको ये समझना पड़ेगी कि इसके लिए एक रजिस्टर बनाइए, ठीक है ना? जी और उस रजिस्टर में सामने वाले का जो भी जिसके यहाँ संगोष्ठी कर रहे हैं उसका नाम अपन लिख लें, ठीक है? नाम पता लिख लें, और उसको पहले बता दें कि भैया हम आपके यहाँ आ रहे हैं, राइट? जी उस जी मामले में यदि हम दो तीन संगोष्ठी भी करना चाहते हैं तो दो तीन संगोष्ठी भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल यह है कि हर कोई हर किसी के यहाँ नहीं जाना चाहता, हर कोई हर किसी को नहीं बुलाना चाहता, सब अलग अलग तरीके की माया है, राइट? तो जी यदि हम ज्यादा संगोष्ठी करके लोगों के पास पहुंचे और जी उनके नाम लिख लें, उनका पता लिख लें, उनका मोबाइल नंबर लिखें, और एक दो वीडियो उनके साथ देखने के बाद, उनको समझाने के बाद, फिर उनसे पूछें कि उनकी अभिलाषा क्या है, चंद्रगुप्त बनने की है या सदस्य बन के पर्दे के पीछे से वो अच्छा भारत चाह रहे हैं, या खुद क्रीज पे आके खेल के अच्छा भारत बनाना चाहते हैं। और एक जी तीसरा भी हो सकता है कि वो अनिर्णय की स्थिति में हो तो उनको विचाराधीन सदस्य बना लिया जाए, ठीक है ना? तो एक जी विचाराधीन सदस्य हो गया, एक सदस्य शपथ के साथ हो गया, और एक चाणक्य शपथ के साथ हो गया, ठीक है ना? जी जी तो उनकी जो भी अभिलाषा है, जो भी इच्छा है, वो अपनी इच्छा ना थोपते हुए उनको समझने का समय दिया जाए। और चूंकि इतना क्रांतिकारी वो है और इतना अच्छा है, क्योंकि हर किसी का भविष्य प्रभावित होने वाला है, एक नई व्यवस्था मिलने वाली है, जो कि हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने तो अंग्रेजों के वही गुलामों वाले नियम हम पर थोप के रखे हैं, वही दुष्ट व्यवस्था थोप के रखी है, जो कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, तब भी हमने उसको बदलने का कोई ख्याल कोई जनता के सामने नहीं रखा है, राइट? अब आप ये सर, देखिए, उसमें एक जबकि क्वेश्चन आता है सर, दो चार उसमें मतलब सामने वाले का रहता है, ये सामने वाला उसको यूँ समझता है कि अपन मतलब बीजेपी के अगेंस्ट या बीजेपी के बड़े लीडरों पर अपन टिप्पणी कर रहे हैं अंग्रेजों के, क्योंकि अभी भाई सत्ता तो इनकी है। देखो ऐसी बात तो समझ लीजिए कि पहले तो टिप्पणी अंग्रेज जो है ना कांग्रेस के खिलाफ है, और फिर सत्ता में जो रहा है उसके भी खिलाफ है। तो यदि हाँ भाजपा ने अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है, तो ये शुद्ध दुष्टता नहीं है कि उन्होंने पब्लिक को नहीं बताया कि सर जो है ना ये गुलामों के नियम हम बदल के अच्छे नियम लेके आएंगे, जो हाँ क्राइम, इन्होंने उस पर कुछ कमिटमेंट नहीं करा, इन्होंने नहीं संशोधन नहीं नहीं करा, कमेंट नहीं, उनकी सोच का हिस्सा ही नहीं है। अब आप ये हिस्सा ही नहीं बताइए कि उसमें। उन्होंने वर्सिपलेसिस एक्ट, जो कि घृणित कानून, जी नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी गवर्नमेंट ने 1991 में बनाया था, ये बहुत महान अपने आप को बताते हैं, जो कि अब इनकी जो है ना लोकसभा में भी मेजोरिटी है और राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, जिसे सिंपली आसानी से पारित किया जा सकता था, वो एक्ट क्यों जो नहीं जो है ना रिपील होना चाहिए था? तो इन्होंने तो दिले भर का काम नहीं किया है, जी जी दिले राइट भर का राइट काम नहीं किया है, केवल भावनाएं भड़काई हैं।
और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आप ये देखिए आम जनता जो हाँ, है, अपन समझाते हैं, अपन कोशिश करते हैं उनको कि नहीं नहीं हम तो सवाल सबसे जो बड़ी किसी बात की है कि जात आज नहीं होती है। एक मिनट, सबसे पहले अपन को बातें होना चाहिए कि जो आज की व्यवस्था है उसमें आप पीड़ित हैं कि नहीं है, क्या आपकी थाने में सुनवाई हो रही है, क्या क्या आपकी अन्य विभागों में सुनवाई हो रही है, क्या क्या आप थाने जा रहे हो तो आपका एफएंस रजिस्टर हो रहा है क्या? वो आप देखिए, हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर व्यक्ति पीड़ित हाँ, है। है पर वो समझ नहीं पा रहा, वो बस नहीं यही तो है। आप उसको उसके एग्जाम्पल देख के जो उसको कहाँ कष्ट पहुंच रहा है, यदि आप उसको वो कहें, यदि मान लो व्यापारी है वो चंदे से परेशान है तो वो समझेगा, टैक्स से परेशान है तो समझेगा, टैक्स हाँ, कंप्लाइंस। वो अपन तो उन लोगों उन्हीं की भाषा में समझाते हैं जो उनकी भाई आप भाषा जिस ग्रुप होती के पास बैठे हो वो ग्रुप जो है ना कैसे कष्ट में है, जैसे अज्यूम करिए कि इवन गरीब तबके का व्यक्ति है तो फ्री भी बांट के आप उसकी आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं, भाई उसे आप समृद्ध क्यों नहीं बना रहे हैं जब समृद्ध बनाना संभव है तो। बिल्कुल ठीक बात है। और आप ये देखिए ना कि आपके जो नेता पहले जो है ना पटियों पे बैठते थे उनके पास 5 पैसे नहीं थे, मांग मांग के जो है ना खाना खाते थे, मांग मांग के बैठते थे, आज वो थाउजेंड्स करोड़ के जो है ना आसामी बने हुए हैं और यही व्यवस्था उन्होंने जो है ना नीचे तक फैला के रखी है। इवन पंच सरपंच भी अपने चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और चुनाव के बाद जो है ना करोड़ों के आसामी बन पा रहे हैं, तो ये दुष्ट व्यवस्था को कौन झेल रहा है? आम आदमी झेल रहा है ना। तो उस बराबर है, उन्हीं की किस्सा है, समुद्र तो बराबर फिर ये बात हम सामने वाले को, हम तो ये कह रहे हैं कि देखो इस व्यवस्था में कोई किसी के खिलाफ नहीं है, यदि आप सदस्य बन के अपने लोगों को जोड़ लिए अच्छी बात है, और यदि आप चंद्रगुप्ती व्यवस्था में सामने आना चाहते हो तो आपको विधायक से लेके सांसद से लेके मंत्री और मुख्यमंत्री सब कुछ बनने के आपको पारदर्शी तरीके से वो है जिसके लिए आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है। आज आपको पार्षद का टिकट मिलेगा बिना पैसे खर्च किए, बिना चाटू कार्ड के? तो नहीं मिले। फिर नहीं, मैं तो सर आपके विचारों से प्रभावित भी हूँ, और नहीं मैं देखिए कुछ उससे अपने अकेला विचार भी मैं नहीं 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 वो सिमिलर है तो ना, मतलब आपको जो रजिस्टर है उसमें ये बात लिखना है कि सामने वाला क्या प्रश्न रख हाँ। रहा है और फिर उसके भाषा में वो प्रश्न का जवाब भी मिलना चाहिए आपके द्वारा भी और मेरे द्वारा भी, और आप जो प्रश्न रखेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना के भी भेज दूंगा, राइट, कैसा भी ये चर्चाएं में दौरान ये प्रश्न आए हैं तो उनका जवाब ये है। मेरी बात समझ रहे ना? हाँ, 80, बिल्कुल 85-80% तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि हाँ मैं मतलब ओवर मेंटेनेंस भी रखता हूँ, हम ये कह मतलब रहे हैं कि उनका आप जो है ना सपोर्टिंग। अपना जवाब देने के बाद उसका वीडियो भी भेज दीजिए कि साहब लीजिए जो है ना डीजी साहब से भी सुनिए, तो जी। वो हमारी भाषा में सुन पाएगा और आपको जो भाषा यूज करना है जो उस व्यक्ति के लिए रिलेवेंट है, व्यापारी अभी को वो जो आप कष्ट। उसको मैंने प्रदीप वाल्टर जी को आप जानते हैं ना, आपके ट्रेनी रहे हैं वो कौन है? हाँ प्रदीप वाल्टर, अभी हाँ इस टाइम वो शाहजहापुर में है TI। अच्छा तो मैंने बोला था उनको कि यही सब, मैं बता रहा था कि मैंने कि आप जुड़ी हैं इनसे हाँ हाँ और बहुत अच्छी वो हैं, विचार हैं और अच्छे से व्यवस्था है आगे हाँ हाँ भविष्य की, हाँ हाँ तो इनके आप चाहे तो बात कर सकते हैं, बात की आपकी, तो बोले नहीं मैं कर लूंगा मेरे हिसाब से अच्छा ठीक है। इनसे। अब वो कई बार होता है कनिष्ठ अधिकारी होने के कारण कई बार उन्हें संकोच होता है तो हाँ नहीं, मैंने वो उनको हाँ यही समझाया था, मतलब वो लीजिए उसमें, मैंने कहा कि आप ऐसा ना समझे कि आप वो पोजीशन, वो समय और ये समय में अंतर है, मैंने कहा आप उनको नहीं एज कोई अंतर नहीं है, केवल जो है कि इतने बड़े मिशन के लिए समझाने की जरूरत नहीं, वो है। हाँ संकोची 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 मेन संकोची है, मतलब और कुछ हाँ नहीं तो मुझे लगता है कि अब हमें चंद्रगुप्तों को पहचान के चंद्रगुप्तों को भी संगोष्ठियों के लिए रवाना करना होगा, है। करना चाहिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल जो सदस्य शपथ ले रहा है उसको कर लिया जाए और सबका एक वीडियो में डालते जाएं, राइट, मतलब सॉरी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनके नाम जोड़ते जाएं और वो ग्रुप भर जाए तो दूसरा उसमें कर ले और उस ग्रुप में आप मुझे भी जोड़िए, मेरा नंबर तो आपके पास है ही तो मुझे भी हाँ जोड़ते हाँ जाइए, तो जो है वो मैं भी यदि कोई प्रश्न होगा कुछ मैंने होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक अपने समाज में भी सामाजिक संगठन बनाया है, अभी 150 मेंबर हो गए उसके, तो उन जो सामाजिक संगठन है उनको इससे हाँ जोड़ते जाइए, जो जुड़ता जाए हाँ
या नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप वही है सर, मैं अभी उसमें कम से कम 3-4 हजार इकट्ठे कर लूँ, हो जाएंगे वो महीने भर में। नहीं ऐसा मत करो, आप तो जो है ना आज की संगोष्ठी की आज जोड़ो, 4 हजार हो जाएंगे उसका इंतजार मत करो। बेसिकली एक रजिस्टर रखो, कहाँ संगोष्ठी कर रहे हो उसके डिटेल लिखो, उसका नाम पता मोबाइल नंबर नोट करो, ठीक है ना। उसके जो है ना एक दो वीडियो जो आपको अच्छे लग रहे हैं उसके हिसाब से जो सबसे अप्रोप्रिएट वीडियो है, क्योंकि हम तो हर तरीके के लोग से बात कर रहे हैं, समाज से भी बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन से भी बात कर रहे हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात कर रहे हैं, अधिकारी से भी बात कर रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं। तो जो वीडियो आपको जहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट लगता है उसको साथ में बैठ के देखिए, फिर सामने वाले से पूछा करिए कि भाई साहब आप क्या करना चाहते हैं, भाई ये जो जो भारत बताया जा रहा है ये 21 लक्ष्यों के साथ, ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएंगी भाई। जिसने हम तो कह रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, तो ये किसी 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 के अगेंस्ट सोशलिस्ट लीडर से भी बात हुई थी बीच में, तो वो भी प्रभावित थे और अपनी व्यवस्थाओं पे भविष्य की, तो बोले अपन करेंगे इसमें कुछ ना कुछ विचार, बात करते हैं मीटिंग में। उसमें अपन को बिल्कुल मैं मानता हूँ उस बात को कि सभी दल अपने से सहमत होंगे भविष्य में। अरे वो देखिए आप दल को छोड़िए, आप तो आम पब्लिक तक पहुंचिए, उनको जोड़ते जाइए। और मतलब जो कार्यकर्ता है वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब मेरे दल माफी चाहता हूँ गलत निकल गया, दल से मतलब दल से जो जुड़े हुए लोग हैं कार्यकर्ता जो समझते नहीं है, मतलब उनकी नीति और उनकी उनको वो सिर्फ एक ने किसी ने बोल दिया तो उनके कहने में शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों की भी बात कर रहा हूँ। नहीं लेकिन उनसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब आपको क्या मिला, आप कितने साल से हैं, आप दरी बचाते रहे हैं, आप जो ना वो करते रहे हैं, आपको इन्होंने टिकट दिया, टिकट तो इन्होंने दुष्ट को दिया, जिसको जिसने पैसे दिए उसको दिया, अपराधी को दिया, दल बदलू को दिया, आप जो इतने वर्षों से इनकी कुर्सियां लगा रहे हैं आपको क्या दिया इन्होंने, नंबर वन। नंबर टू देश को क्या दिया, देश की व्यवस्था तो नहीं बदली। तो अच्छा मैं सर एक एजुकेशन ग्रुप में भी अच्छा इंटरफेयर रखता हूँ, तो अपन किस हिसाब से वो थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करना आप। मैं तो उसमें आपको बड़ी सिंपल बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ जाइए, एक अच्छे से बड़े टेलीविजन पे जो है या प्रोजेक्टर हो तो प्रोजेक्टर पे मुझे मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है ना। तो वो मेरे तरफ से अपना परिचय भी दे पाएंगे, तो सब लोगों से एक एक परिचय करा दीजिए, ठीक है ना, रजिस्टर में उनका नाम पता लिख दीजिए और फिर मैं जो है ना उनको पूरा समझा दूंगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो समझेंगे, और उनको 3 कैटेगरी में रखिए, एक रखिए जो सदस्य बनने की आकांक्षा रखते हैं, दूसरा चंद्रगुप्त बनने के, और तीसरा जो अभी विचार के लिए और समय चाहते हैं। सामने वाले को सोचने का समय दीजिए, आपने अपनी बात कही और आप उसके ऊपर थोपिए नहीं अपनी बात। तो देखो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, आज आप भाई बताइए 75 साल के बाद इन दुष्टों ने आपके ऊपर वही सब नियम कानून थोप के रखे हैं। अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अच्छी व्यवस्था ये ला नहीं सकते हैं, अच्छी व्यवस्था इनका सोच का हिस्सा नहीं है। जब इस देश में कर मुक्त होने के बाद भी डेवलपमेंट के लिए 20 गुना पैसा संभव है तो ये क्यों होना चाहिए। यदि अपराध मुक्त भारत जो टेक्नोलॉजी बताई जा रही है उसके तरीके से संभव है तो देश को जो है एक सुकून के वातावरण में क्यों नहीं जीना चाहिए। जो आप दंगे वो करा रहे हैं आर्टिकल 25 के तहत, सभी लोग अपने धर्म का जो है ना पालन करते हुए शांति से जिसको जिसमें मोक्ष मिल रहा है उस धर्म को मानते हुए यदि वो अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं तो वो आप क्यों नहीं देना चाहते उनको। आप दंगे फसाद करा के क्यों अपने अपना अपना जो है ना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ना भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेसियों ने तो इस देश के साथ सबसे बड़ा दगा किया है। तो अपन सर ये अपने इसमें चंद्रगुप्त में अपनी अपनी ये क्राइम फ्री भारत के बैनर तले अपन उतारेंगे। नहीं, क्राइम फ्री भारत एक मिशन है और हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे साथ आत्मसात हो गई है, राइट। उसने अपने सभी हक जो है, अपने को देना है क्या उसका? नहीं नाम नहीं देना है, नाम जरूरत ही नहीं है, नाम क्राइम फ्री भारत मिशन है, वो तो एक फॉर्मेलिटी के लिए पार्टी है। देखिए आज की व्यवस्था में आपको लड़ने के लिए किसी न किसी से तो टिकट चाहिए ना, तो वो तो सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी के लिए है, उसका नाम कहीं नहीं रहेगा।
राइट, उसका नाम सिर्फ चंद्रगुप्तों की सूची रहेगी, लोगों को तो चंद्रगुप्त ही है, फलाना ही है, इस चुनाव चिन्ह पे हम इसको डालेंगे, उस समय जो है ना नाम और चुनाव चिन्ह और वो सब डिटेल दे दिए जाएंगे अच्छा, चुनाव के समय पे। चुनाव के समय, उसके पहले क्या जरूरत है, उसके पहले कोई चीज नहीं, जरूरत विचार नहीं, वो इस नहीं, समय वो पे देखिए खराब हो। देखिए देखिए वो नहीं करना है, क्योंकि वो अच्छा पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी की ठीक केवल बात एक है। ही भूमिका है कि ना तो वो आपका चुनाव प्रचार कर रही है, ना वो कोई आपकी आम सभाएं करेंगी, ना हमें उसकी जरूरत है। तो पार्टी का तो सिर्फ एक ही काम है कि आपको टिकट दे देगी और इसके बाद उसकी कोई भूमिका नहीं है, राइट। अच्छा ठीक है क्राइम भाई। फ्री भारत मिशन शुरू से फॉरवर्ड में है, बाद में भी रहेगा, और टिकट उन्हीं को मिलेगा जो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर पाएंगे। स्थापित कर तो पाएंगे, अभी ठीक है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में 230 जो है ना विधानसभा की सीट है, राइट। तो 230 जो ऊपर के लोग, जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा मध्य प्रदेश में, उनको जो है ना अपने आप जो है चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। कब घोषित किया जाएगा, जिस दिन चुनाव घोषित होगा, राइट। अच्छा, ठीक आप जो है अपने आप को देख पा रहे हैं, जैसे अभी आपको 1300 कुछ आपके आप ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। आपको जिला अधिकारी घोषित कर दिया गया है, कर दिया गया, हाँ, कर दिया गया। तो आपने किसी के से कहीं आवेदन लगाया था क्या, नहीं, कहीं किसी के सामने हाथ फैलाया था क्या, किसी से नहीं कोई, वैसे ऐसा समझाता ही हूँ मैंने कि अपना आप में क्राइम फ्री भारत एक नहीं स्वयंसेवी नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना काम किया, आपको आपका हक बिना कहे मिलता जा रहा मिल है, गया, राइट। मिलता जा रहा। जब ठीक आप है पचास ठीक को जोड़ लोगे तो आप बिना कहे राज्य अधिकारी बन जाएंगे, जब आप 100 को ठीक जोड़ लेंगे तो आप बिना कहे राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, और 100 लोगों को जोड़ने के बाद फिर आपकी यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्ती, उसके पहले चंद्रगुप्ती यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती है, राइट। आप ठीक सकल है। संकल्प ले लिए, उससे जो है ना आपकी चंद्रगुप्त यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, जब आप नहीं 100 ठीक लोगों बात को है। जोड़ लेंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी, और ये यात्रा में आपको हर दिन घर घर जाके संगोष्ठी करना है, लोगों को समझाना है, और स्वयं जो है ना उसमें सदस्य और चंद्रगुप्त को पहचान करना है, और फिर चंद्रगुप्तों ठीक को है। जो है मेरा तो मोटिव हो, मेरा तो एम ये था कि मैं सबसे पहले 100 सदस्यों को जोड़ दूँ या 100 विचारधारा को शामिल करूँ, उसके बाद में आपसे चर्चा करूँ। ये मतलब मैं तो मन में लेके बैठा था ये बात, वो तो अनायास ही अपनी बात हो गई अभी, नहीं, वरना तो मैं मेरा आपसे मेरा उसके ये बाद ही कहना बात करता। मेरा ये कहना है कि आप लोगों को जोड़िए और उनकी संगोष्ठी भी रख लीजिए, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में संगोष्ठी करेंगे, राइट। जब बिल्कुल हमारी बिल्कुल, बड़ी समझ संख्या हो गया जाएगी तो हम फिर वैसे संगोष्ठी मैं। करने लगेंगे, क्योंकि देखिए संगोष्ठी और इस सब के आयोजन में ज्यादा समय लगेगा ना, लोगों को हाँ हाँ समझने का, बिल्कुल। लोगों को घर घर जाके यदि हम समझाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल यदि आएगा, हम उन्हीं के साथ बिल्कुल में चाय पीते हुए उनके वीडियो देखेंगे और वीडियो पे चर्चा करके उन्हें सदस्य या चंद्रगुप्त या विचाराधीन सदस्य बना दें, क्योंकि हम आदमी आएगा। पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं, वो अब ये सब उसके हित में है, वो समझ समझ लेना पहले भाई। अगर इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, आप रोज परेशान हैं, आपके ऊपर दुष्टतापूर्वक कानून थोप के रखे हैं, आपके ऊपर महंगाई थोप के रखी हुई है, आदमी जो है ना ठीक ढंग से जी नहीं पा रहा है, थाने जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट में जो है ना मुकदमे पहले तो जो जिसकी ताकत होती है वो अकेला कोर्ट जा पाता है, और चला भी जाता है तो 30-30 40-40 50-50 सालों में जो ना उनमें कोई निर्णय नहीं हो रहा है, जबकि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा, वो भी मेरा कोर्ट जाए, कोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिल जाएगा, भ्रष्टाचार होना संभव नहीं होगा, टैक्स फ्री हो जाएगा भारत, तो आपको टैक्स कंप्लायंस से आप बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे, टैक्स एक पार्ट है, टैक्स की बिल्कुल कंप्लायंस के नाम पे जो है ना ये जो छापा मार के आपके अकाउंट सीज करके जो आपको बेइज्जत कर देते हैं, और खुद जाके जो है ना इन्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, कई बार तो ये गहने से लेके हर चीज लूट के भी ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं ना, बिल्कुल तो फिर सही वो तो बोला गलत बात है आपने। ना। तो ये अधिकारी हैं या लुटेरे हैं, लुटे रहे हैं सर, बिल्कुल लुटे रहे हैं अपने और जो है तो ना, परिवार में घुसने लगे ये, मतलब पहले तो अर्थ में घुसे थे, अब ये परिवार में घुसने लग गए। तो अब ये पीड़ा जो है ना लोगों को समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल आपने सही है आपने। अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो आपको भारतीयों को दुरुपयोग हो प्रताड़ित, रहा उनका। नहीं नहीं दुरुपयोग नहीं रहे, बनाए इसलिए गए थे वो भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको उनको जो है ना उत्पीड़ित करने के लिए, उनको कष्ट पहुंचाने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, शोषित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बचाए बनाए थे,
वो भी आपके ऊपर थोपे हुए हैं और आज आपकी स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। कोई भी आपको उठा के बंद कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल 151 ज्योतिष कर सकता हो तो वो करते ही है, किसी जिसका में ज्यादा भी बंद शौक कर देगा। अब आप ये बताइए, देखिए, जब हो। आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के लिए भी अवेलेबल है और बॉडी के लिए भी अवेलेबल है, और इन दोनों केसेस में आप सामने वाले की मौत कारित कर सकते हैं, तो जब आप विक्टिम हैं और कोई आपको मार रहा है, आपने उसे मार दिया है, तो ये आपका सेल्फ डिफेंस कहलाएगा, प्राइवेट राइट टू सेल्फ डिफेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल चलाएगा सर। तो फिर ये काउंटर मुकदमा क्यों कायम हो रहा है? सभी काउंटर मुकदमे जो है ना, इस कानून का उल्लंघन नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, आपकी कौन सुनने के लिए बिल्कुल। बैठा हुआ है? कुछ कोई नहीं है सर, बिल्कुल। तो आप ये बिल्कुल बताइए, जो आपके एमएलए एमपी बने हुए हैं, वो आपसे ही जो है ना पैसा ले रहे हैं, उन्हें लज्जा और शर्म नहीं आ रही है? और कुछ बहुत सारे लोगों ने तो दल्ले बिठा के रखे हैं इस काम के लिए। बिल्कुल तो सही है। ये दुष्टता तो बदलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए सर, वो तो और बदले ही, आप ये अपन भी बताइए बदले कि ही। जो लोग आपके आज प्रतिनिधि बने हुए हैं, इन्होंने कितने घटिया लोगों को टिकट दिया है? उनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चरित्र क्या है? 140 करोड़ के देश के लोग जो कि इतने इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो देश को लीड करने के लिए घटिया, अपराधी, बाहुबली और दल बदली हाँ लोग क्यों होना उसकी चाहिए? आधार ही नहीं, टिकट का कोई आधार ही नहीं नहीं, सर, तो ये तो अच्छे बिल्कुल। लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। हाँ नहीं देते हैं ना, आपके जो है तो भाई पार्लियामेंट में लोग 42% जो है ना लोग क्रिमिनल हैं और 29% जघन अपराध के अपराधी हैं, तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है ना। हाँ देखनी है ना, और ये बरूबर अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। आप बताइए, एक चपरासी को साक्षरित भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए, जबकि वो बेचारा कोई अहम निर्णय नहीं लेता है। और ये दुष्ट राजनेता, ये कानून के निर्माता बने हैं, ये देश के और आपके भाग बदलने के निर्णय लेते हैं, ये अपराधी, दल बदलू और क्रिमिनल क्यों होना चाहिए? तो ये बात समझने में और समझाने में बहुत दिक्कत है क्या? नहीं ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी जब हर काफी व्यक्ति के पैर में कह बीमारी फटी हुई है, तो या रहे तो हमारी समझ इतनी नहीं है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी भाषा में उसे समझा पाए, तो ये गट समय पैदा करना पड़ेंगे। भाई, आपको बदले में जो सदस्य बनना चाह रहा है उसको एक अच्छा भारत मिल रहा है, राइट? उसके बच्चों को एक अच्छा भारत मिल रहा है, और जो चंद्रगुप्त बनना चाह रहा है उसे मुफ्त में तो चंद्रगुप्त बन के जो है ना सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का तो मौका नहीं मिलना है कि मिलना है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिल मिलना रहा है क्या? है। हाँ नहीं मिल रहा ना, कहाँ मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, तो इतनी बड़ी चीज आपको इस सिस्टम से मिल रही है, तो आप इन दुष्ट राजनेताओं के गुणगान, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, क्यों करना चाहिए आपको? बिल्कुल ठीक बात है, नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो अब जो अभी है, एक हाँ प्रॉब्लम और आ रही थी सर, कि हाँ जो ये बोलिए। जो मतलब 60+ जो लोग रहते हैं हाँ, इनको थोड़ी सी मेजोरली मतलब ये अपडेट करने में, अब वो उनको बेचारे से उन तो उन कनेक्ट होते हैं उनको पर जो उनको थोड़ी उनको, सी ट्रेनिंग दे दीजिए, उन्हें उनकी हाँ काम की, वही 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 देखिए, उनको अपनी काम की चीज उनको समझा दीजिए, वो ऐप खोल नहीं, लें। अपन वो उनको देखो, जैसे जस्ट समझा जस्ट देते जस्ट ए मिनट, अपने हैं। सामने चार को अभ्यास करा दो ना उनको, इसी हाँ, बहाने उनके वो उसमें देखा जो, था। नहीं नहीं देखिए, आप उनको 10 का टारगेट रखोगे, 10 उनके माध्यम से कराओ आप, ठीक है ना? तो उनको तब तक वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बन जाएंगे, राइट? तो ठीक एक है फायदा ठीक उनको ये हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गए। दूसरा फायदा ये हो गया कि आपके उसमें 10 लोग जुड़ गए, ठीक है ना? तीसरा जो है ना, आप उनको अभ्यास जब 10 बार करा देंगे तो उनसे कोई गलती नहीं होगी। और एक आध दो दिन उनको फोन करके पूछ लो, दादा आप ठीनों से चला पा रहे हो क्या? क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत समझाने की जरूरत है। क्यों क्यों हाँ, नहीं, नहीं तो उसका सर रीजन, वो उसका अपने उसका न्यूज़ उसका पेपर में उसका पढ़ते रीजन, ही हैं। उसको रीजन समझो। उसका रीजन ये है कि उन्होंने परिवार में सबसे शीर्षस्थ जो है सम्मान पाया है, आज जो है उनके ही बच्चे बेटे जो है वो महंगाई के मार में दोनों ही जो है ना नौकरी करने में लगे हुए हैं, बच्चे बड़े बड़े बस्ते लेके घूम रहे हैं, किसी को अपने बुजुर्गों के लिए समय नहीं है। बुजुर्ग एक स्टेपनी के बतौर वहां पड़ा हुआ है और इनके प्रकारेण अपना समय पास कर रहा है। वो कहीं कहीं जो है ना किसी आश्रम में जा रहा है, किसी मंदिर में जा रहा है, किसी पार्क में जा रहा है, कहीं घूम रहा है, आजकल लॉफिंग क्लब वगैरह भी चालू हो गए हैं। वो इनके हाँ प्रकारेण अपना समय पास कर रहा है,
और यदि हम थोड़े सी घटिया भाषा में कहें कि वो अपने मरने का समय काट रहा है तो कोई बुराई नहीं है, राइट। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप उसको इतना सम्मानजनक टारगेट दे दोगे कि भैया तुम बैठे बैठे अपने लोगों को जोड़ो, तो वो बड़े उनको एक मकसद मिल जाएगा और बदले में उनके नाती पोतियों को एक अच्छा सा भारत मिल जाएगा, एक बड़ी चीज नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल सही आप है। ये बताइए, वर्तमान व्यवस्था 75 साल से ये दुष्ट जो है ना, अंग्रेजों के कानून हमारे ऊपर क्यों थोपे होना है? और ये दुष्ट लोग जो है, अपने कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी कर्मठता के साथ इनकी दरिया बिछाई हैं, इनकी कुर्सियां लगाई हैं, इनकी पोस्टर लगाए हैं, हॉर्डिंग्स लगाए हैं, इनके आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की है, इनके लिए इन्होंने जो है पोलिंग बूथ पर ड्यूटी है दी है, और घर घर जाके लोगों को निकाल के पोलिंग बूथ पर ले गए हैं जिनके कारण ये जीते हैं, ये दुष्ट लोग कितने बदमाश हैं कि उन्हीं कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनकी बिल्कुल जगह जो है ना टिकट जो ज्यादा पैसा दे देता है उसको दे देते हैं, अपराधियों को देते हैं, बिल्कुल दलबदलियों को देते हैं, और अपने आकाओं के कुसंस्कारित बच्चों को देते हैं, क्योंकि उनके आकाओं के बच्चे जो है वो इतने घटिया वातावरण में पले हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार मिलने की तो कोई संभावना है नहीं, है क्या? नहीं, उनको अच्छे संस्कार मिलने की संभावना है क्या? तो नहीं, इस तरीके से वो थोड़ी तो मिलेगा। उन कुसंस्कारी बच्चों को जो है ना, इनके आकाओं के बच्चों को क्यों टिकट मिलना चाहिए? नहीं और मिलना फिर चाहिए। जीतने के बाद वो मंत्री भी बन जाते हैं, कुछ तो जो है ना हाँ हाँ मुख्यमंत्री बनने के योग उसमें रहते हैं। अब आप देखिए, आपके एक स्टेट में एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल जाता है तो वो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को आपके ऊपर थोप देता है। हाँ सही है। उसी प्रदेश में अभी एक सुशासन मुख्यमंत्री कहलाते हैं अपने आप को, वो 8वीं बार शपथ लिए हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने देश की जनता पर 8वीं फैल को थोप दिया। तो बिल्कुल इस सही बात, बिहार की बात कर रहे एक हैं सौ आप अपनी। चालीस करोड़ लोगों के देश में अच्छे लोग जो देश को आगे ले जा सके वो होना चाहिए, कि घटिया अपराधी दल बदलू होना चाहिए? नहीं, दल बदलू तो घटिया लोगों को और कहाँ ये से बताइए, मिलेगा। भाजपा के अच्छे लोगों को टिकट दे रही है तो नहीं, अब नहीं दे रही, वो भी उन्हीं की उस पर चल वो रही है, वही दुष्टता कर रही है? दुष्टा क्या कर रही भाजपा है। अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है या जो है ना दुष्टों को नहीं, टिकट दे रही है? तो हाँ दुष्टों को ही दे रही हूँ फिर, मैं भाजपा आरएसएस का अन्य उपयोग कर रही हूँ। अन्य दलों से क्यों अच्छी है? भाजपा जो है हिंदुओं के वोट पर जीती है और हिंदुओं के फेरे फेवर में एक घटिया एक भी अच्छा काम नहीं किया। आर्टिकल हाँ, थ्री नहीं किया सेवेंटी ना। एक आर्टिकल 370 हटाया तो एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी मई 2020 में लेके आ गए, जो कि आर्टिकल थ्री घटिया सेवेंटी देखो, के हिंदुओं की है और सबसे ज्यादा परेशान आर्थिक कार्य में हिंदू ही है, मुसलमान तो कम है, तो मिडिल नहीं, आप ये बताइए, मार्केट आपने है। धेले भर का काम नहीं किया, आपने जो है ना, देखिए मुख्य काम जो है सांसदों विधायकों का क्या है, घटिया पुराने कानून जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए थे उन्हें रिपील करना चाहिए था और अच्छे कानून को बनाना चाहिए था, ये दोनों सही काम सही भाजपा सही। ने किए हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल तो नहीं। फिर भाजपा दूसरों से अच्छी क्यों है? अभी भाजपा का जो है ना पीएम केयर फंड का एक आरटीआई में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा ये निजी फंड है। अरे प्राइम मिनिस्टर जिसका अध्यक्ष हो, सभी मंत्री उसमें बैठे हुए हों और लोगों ने जो है ना प्राइम मिनिस्टर के नाम पे करोड़ों रुपए दिए हों, जिसमें टाटा ग्रुप के जो है ना, टाटा ग्रुप ने ही अकेले 1500 करोड़ रुपए दिए हैं, सब लोगों ने अपने एक एक दिन की तनख्वाहें दी है, ये कितनी बड़ी दुष्टता है कि आप कहें कि ये निजी फंड है? क्यों बिल्कुल बिल्कुल सही निजी कह रहे फंड हैं। होना एक सौ चाहिए? पचपन लाख करोड़ रुपया है ना सर मेरे का, जहां तक वो है। तो भैया देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं और फिर भी अपने आप को अच्छा कह रहे हैं, मुझे बताइए ना भाजपा किस तरीके से अच्छी है, मुझे बताइए ना किस तरीके से अच्छी है? नहीं, ये तो या पब्लिक को आप तो समझ बताइए, में नहीं आ उन्होंने रहा राम मंदिर के नाम से जितने पैसा इकट्ठा किया है इसका ऑडिट करा है। लीजिए तो कितने घपले सामने आएंगे? हाँ बहुत आएंगे, हाँ लाखों करोड़ों में होंगे सर। नहीं, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ना, मुझे तो दिखाई देता है। तो मेरा उसमें सोचना यही है कि हम लोगों को बहुत एग्रेसिव काम करना चाहिए, जब हम एग्रेसिव काम करेंगे और ये भी देखें कि हमसे जुड़े लोग जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हों उनको टच करके उनको भी जोड़ें, क्योंकि इन तीन राज्यों में यदि हम 2023 में अपने चंद्रगुप्तों को जिताकर इन सभी राजनेताओं को पराजित नहीं कर पाएंगे तो हमारी स्थिति 2024 में और खराब हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर जनता हमारे ऊपर क्यों विश्वास करेगी? बिल्कुल ठीक बात है। यदि हम ज्यादा मेहनत करके, और आप बताइए आपको अच्छा भारत मिल रहा है, और यदि व्यक्तिगत स्तर पे आप चंद्रगुप्त भी बनना चाहते हैं
तो बताइए, इससे पारदर्शी चंद्रगुप्त बनने की और सब कुछ मिलने की और कुछ व्यवस्था हो सकती है जिसमें आप नहीं, उन्हीं फिलहाल तो अभी उन्हीं तो मेरिट लिस्ट के नहीं आधार पर आप जो है उसी मेरिट लिस्ट के फिलहाल। आधार पर आप चंद्रगुप्त बन के बाद में मंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हो। आज आपको जो है ना ये टिकट नहीं देंगे, मंत्री मुख्यमंत्री बनाना तो बहुत बात दूर की बात है। बनाएंगे क्या आपको? तो नहीं, बनाएंगे। फिर आपको नहीं लगता है कि हमको जो है ना इसमें बहुत मेहनत करना चाहिए? इतना अच्छा मेहनत तो बॉर्डर लगेगी सर, है? मेहनत तो लगेगी, करना भी है सर। नहीं, कुछ मेहनत नहीं लगना है, अपने बीच में जाना है, उनके साथ बैठ के चाय पीना है, हेलो। उन्हें समझाना है और उनको जोड़ना है। तो अपने लोगों से यदि आप जो जाके उनके बीच में यदि मीटिंग लेंगे तो आपके नेटवर्क में मधुरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो हाँ, बढ़ती ना सर, संपर्क भी बढ़ता हो तो हर एक फिर इसमें चीज तो अच्छी आम के आम और गुठलियों के दाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो धीरज जी, आप जो है नहीं ना नहीं बड़ी जो बिल्कुल त्रासदी से शायद गुजरे जो मैं हैं, कर आपका रहा जो है ना हूँ। आपके यहाँ गमी हुई है, अब जो है ना अब उस गमी से आप उबर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा मेहनत से ज्यादा जो है ना संकल्प के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक सर, है? सर ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। ये वीडियो मतलब पहले वाले भी मैंने आपसे मांगी थी, तो क्या? मतलब अच्छा कह रहा, वीडियो तो आप डाल ही देते हैं, वो हाँ, भी ये सब कभी जाता है, अपडेट। आपका पुराना वाला भी डल चुका है, ये भी कल वल तक गिर जाएगा। ठीक है ठीक है चलिए, ठीक है जय सर, हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।